काष्ठी संगमणि वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देव व्यदध पुरुत्रा भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार। वृहत्तर भारत। भारतवर्ष की उत्कृष्ट ज्ञान परंपरा को वैश्विक समाज ने यथोचित मान्यता देने में सदैव संकोच किया है। धन्य है भारतवर्ष में ज्ञान के वाहक प्रवाहक ऋषि मुनि महर्षि, जिनके लिखे ग्रंथों में भारतवर्ष की प्राचीनतम घटनाओं स्थानों और पात्रों की प्रामाणिकता सहस्त्राब्दियों बीत जाने के उपरांत भी अक्षुण्ण है। आधुनिक यंत्रों के माध्यम से इन कालजयी घटनाओं के उस कालखंड की आकाशीय स्थिति के अध्ययन ने इसे प्रमाणित किया है। भारतवर्ष में विश्व का भीषणतम युद्ध महाभारत हुआ था। महाभारत के युद्ध एवं इसकी तिथि को लेकर उठाए गए प्रश्नों का सटीक समाधान भी आधुनिक यंत्रों की मदद से आकाशीय नक्षत्रों के दृश्य से हो गया है। भारतवर्ष में उच्च कोटि के ज्योतिषीय अध्ययन में पृथ्वी पर प्रत्येक घटना के लिए ग्रह नक्षत्र को प्रमुख कारक माना गया है। तब यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि महाभारत के महाविनाशकारी युद्ध के समय ग्रह नक्षत्र के संकेत अथवा स्थिति क्या थी। शोधकर्ता सरोज बाला की पुस्तक महाभारत की कहानी विज्ञान की जुबानी इसका भी सटीक समाधान करती है। महर्षि वेदव्यास महाभारत के युद्ध के समय आकाशीय ग्रह और नक्षत्रों के अशुद्ध प्रभाव से चिंतित थे। हालांकि कौरवों एवं पांडवों के मध्य युद्ध से अलग विकल्प के लिए श्री कृष्ण प्रयासरत थे, परंतु महर्षि वेदव्यास को खगोलीय घटनाक्रम से यह ज्ञात था कि इस महाविनाशकारी युद्ध को टाला नहीं जा सकता। इसीलिए जब कुरुक्षेत्र में युद्ध की समस्त तैयारी हो चुकी थी, युधिष्ठिर की सेनाएं युद्ध भूमि में पूर्व दिशा की ओर तैनात थी और उनका मुख पश्चिम की ओर था, जबकि दुर्योधन की सेनाएं पश्चिम दिशा में डटी हुई थी और उनका मुख पूर्व दिशा की ओर था। महर्षि व्यास धृतराष्ट्र से भेंट करने आए और उन्होंने धृतराष्ट्र को इस महाविनाशी युद्ध के परिणामों के विषय में चेतावनी दी। उन्होंने चेताया कि धूमकेतु उल्कापात ग्रहण तथा ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां महाविनाश का संकेत दे रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कार्तिक के महीने में देखे गए चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण भी प्रलयंकारी परिणामों की ओर संकेत कर रहे हैं। अतः उन्होंने धृतराष्ट्र को हर मूल्य पर इस युद्ध को रोकने की सलाह दी। शोधकर्ता सरोज बाला ने आधुनिक प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर के प्रयोग से इन सभी खगोलीय स्थितियों और चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण की स्टॉक तिथियों का निर्धारण किया गया है। महर्षि व्यास महान खगोल शास्त्री भी थे। उन्होंने महाभारत में वर्णित महत्वपूर्ण घटनाओं के समय आकाश में उपस्थित खगोलीय स्थितियों का विस्तृत एवं क्रमिक वर्णन किया है। यह सर्वविदित है कि नक्षत्रों तथा ग्रहों की हूबहू वही स्थिति 25,920 वर्षों के भीतर पुनः देखी नहीं जा सकती। ऋषि व्यास ने कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले अत्यंत अशुभ चंद्र ग्रहण तथा उसके उपरांत उसी माह में 13वीं चंद्र तिथि पर दिखने वाले एक सूर्य ग्रहण का उल्लेख किया। यह चंद्र ग्रहण हस्तिनापुर से 26 सितंबर 3139 ईसा पूर्व को कार्तिक माह की पूर्णिमा को देखा गया था, जबकि सूर्य ग्रहण 11 अक्टूबर 3139 ईसा पूर्व को कार्तिक अमावस्या के दिन देखा गया था। महर्षि ने इस आकाशीय घटनाक्रम को संबंधित श्लोक में लिखा है, अलक्ष्यः प्रभवाहिनः पौर्णमासी च कार्तिकीं चंद्रो भूदग्निवर्णच पद्मवर्णनभस्थले चतुर्दशी पंचदश भूतपूर्वी च षोडशीं इमां तु नाभिजाने हम्मावास्यां त्रयोदशीं चंद्र सूर्यावुभव प्रस्तावे कमासी त्रयोदशीं। इसका अर्थ है कि कार्तिक माह की पूर्णिमा को
कमल के समान नील वर्ण के आकाश में चंद्रमा प्रभाहीन होने के कारण अदृश्य हो गया तथा अग्नि की भांति दिखने लगा। यह स्पष्ट रूप से एक चंद्र ग्रहण की ओर संकेत देता है। महर्षि व्यास ने श्लोक संख्या 6.3.14 से 6.3.18 में सूर्य ग्रहण से कुछ ही समय पूर्व की ग्रहों और नक्षत्रों की स्थितियों का भी उल्लेख किया है, जिन्हें व्यापक स्तर पर अशुभ तथा मानव जाति के लिए विध्वंसकारी बताया गया था। इन सभी स्थितियों को 10 अक्टूबर 3139 ईसा पूर्व को सायं 19:50 पर सूर्य ग्रहण से लगभग एक दिन पूर्व आकाश में स्टेलेरियम स्काई शॉट के अनुसार हस्तिनापुर से देखा। महाभारत में वर्णित ग्रहों नक्षत्रों की स्थितियां, जिनका शब्दकोशों के अध्ययन तथा संस्कृत विद्वानों के अनुमोदन के पश्चात संशोधित अनुवाद किया गया। मघास्वंगार को वक्रह श्रवणे च बृहस्पति भगम नक्षत्रमाक्रम्य सूर्यपुत्रेण पीड्यते। इसका अर्थ है कि मंगल ग्रह अपने ग्रह मेष में प्रवेश करने को लेकर सहज है। मंगल मेष में वक्र गति में प्रवेश कर रहा है। सॉफ्टवेयर यह सत्यापित करती है कि 10 अक्टूबर 3139 ईसा पूर्व से पहले मंगल वृषभ में था, बृहस्पति श्रवण नक्षत्र में है, सूर्य पुत्र शनि स्कॉर्पियस में है और इस प्रकार भगम यानी उत्तर फाल्गुनी को पीड़ित कर रहा है, जो कि स्कॉर्पियस से 10वां नक्षत्र है और इसलिए शनि के पूर्ण पहलू में है। शुक्र पृष्ठ पदे पूर्वे समारुह्य विरोचते, उत्तरे तु परिक्रम्य सहित समुदीक्षते। इसका अर्थ है कि शानदार ढंग से चमकते हुए ग्रह शुक्र पूर्व भाद्रपद और उसके बाद उत्तर भाद्रपद को आक्रांत कर रहा है। 10 अक्टूबर 3139 ईसा पूर्व में शुक्र कन्या राशि में स्थित है और इस प्रकार अपने स्थान से 7वीं राशि मीन को आक्रांत कर रहा है। श्वेतौ ग्रह प्रज्वलितः सधूमिव पावकः ऐन्द्र तेजस्वी नक्षत्रम ज्येष्ठामाक्रम्य तिष्ठति। इसका अर्थ है कि श्वेत ग्रह का अर्थ बुध या केतु हो सकता है। चाहे कोई भी स्थिति हो, अग्नि की भांति धधकने वाला बुध तथा केतु दोनों ही 10 अक्टूबर 3139 ईसा पूर्व को स्कॉर्पियस में इंद्र के ज्येष्ठा नक्षत्र को पीड़ित कर रहे हैं। रोहिणी पीड़यत्येव मुभौ च शशि भास्करो चित्रास्वात्यंतरे चैव विष्ठित पुरुष ग्रह। इसका अर्थ है कि सूर्य एवं चंद्रमा दोनों ही स्वाति में स्थित हैं, अतः वे रोहिणी को पीड़ित कर रहे हैं जो ठीक सामने 7वें घर वृषभ में स्थित हैं। पुरुष ग्रह अर्थात शुक्र चित्रा और स्वाति नक्षत्र समूहों के बीच में स्थित है तथा इस प्रकार कन्या राशि के पास स्थित है। वक्रानुवक्रम कृत्वा च श्रवणम पावक प्रभाः ब्रह्म राशिम समावृत्य लोहितांगो व्यवस्थिताः। इसका अर्थ है कि बृहस्पति ब्रह्म राशि अर्थात मकर राशि में श्रावण के आसपास विचरण कर रहे हैं। ब्रह्म राशि का अर्थ ज्ञान एवं बुद्धिमत्ता से है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मकर राशि को इसी नाम से जाना जाता था। वक्र अनुवक्र गति में लोहितंग स्थिर प्रतीत हो रहा है। आकाश में इन समस्त खगोलीय स्थितियों को 3139 ईसा पूर्व में कार्तिक माह में सूर्य ग्रहण वाली अमावस्या से लगभग एक दिन पूर्व आकाश में देखा जा सकता है। स्टेलेरियम के अनुसार इन सभी स्थितियों को 10 अक्टूबर 3139 ईसा पूर्व 19:50 पर देखा गया था, जबकि प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर यही आकाशीय दृश्य 14 सितंबर 3139 ईसा पूर्व में 18:30 पर प्रदर्शित करता है। लगभग 26 दिनों का जो अंतर है वह प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर द्वारा पूर्व ग्रेगोरियन सुधार की अवधि के लिए 131 दिनों में एक दिन का समायोजन न हो पाने के कारण है, जबकि स्टेलेरियम इस अंतर को पिछले 13,200 वर्षों के लिए संज्ञान में लेती है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रत्येक 131 वर्षों के बाद एक दिन को समायोजित इसलिए किया जाता है क्योंकि एक वर्ष की सही अवधि 365 दिन और 6 घंटे न होकर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड है। प्रत्येक वर्षों में 11 मिनट और 14 सेकंड का यह अंतर 131 वर्षों के बाद एक दिन के बराबर हो जाता है। पिछले 2 दशकों में साधारण कंप्यूटरों पर प्रयोग के लिए कई प्रकार के आकाशीय लेशन सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो गए हैं। यह सभी सॉफ्टवेयर सटीकता के साथ भविष्य या भूतकाल में कई हजार वर्षों में देखी गई खगोलीय स्थितियों को
आकाश में दिखाकर किसी भी भूगोलीय स्थिति से उनकी तिथि समय निर्धारित करने की क्षमता रखते हैं। प्लैनेटेरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर से चंद्र तिथि, चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण की तिथि, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन आदि का पता लगाना अत्यंत सरल है, जिनका उल्लेख महाभारत और अन्य प्राचीन भारतीय में बार बार किया गया है। यह सॉफ्टवेयर विषु अग्रगमन जैसे जटिल चक्रों का समावेश कर आकाशीय दृश्य प्रदान करता है। स्टेलेरियम सॉफ्टवेयर का भी उपयोग करते हुए महाभारत में वर्णित संदर्भों के आकाशीय दृश्यों को प्रस्तुत किया है। यह सॉफ्टवेयर नासा जे पी एस टी 431 पंचांग का प्रयोग करता है। प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर के साथ 26 दिनों के कैलेंडर संबंधी अंतर को छोड़कर स्टेलेरियम सॉफ्टवेयर का उपयोग करके देखे गए आकाशीय दृश्य महाभारत में वर्णित खगोलीय संदर्भों के साथ क्रमिक रूप से हूबहू मिलते हैं। स्टेलेरियम एक ओपन सोर्स आकाशीय सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि डाउनलोड के लिए मुफ्त में उपलब्ध है। यह सॉफ्टवेयर लाइनस, मैकिंटोश और विंडोज में उपयोग के लिए उपलब्ध है। ऋत एक स्वाभाविक व्यवस्था, भौतिक और आध्यात्मिक निश्चित दैविक नियम अथवा विधि को ऋत कहते हैं। इस विधि का पालन सभी देवताओं, प्रकृति आदि के द्वारा नियम पूर्वक किया जाता है। ऋत की सभी शक्तियां वरुण देवता में निहित हैं। वह नियमों का पालन करने वालों को पुरस्कार और उल्लंघन करने वालों को दंड देता है। ऋत के तीन क्षेत्र हैं, विश्व व्यवस्था, नैतिक नियम और कर्मकांडी नियम। विश्व व्यवस्था के अंतर्गत ब्रह्मांड के सभी पिंड अपने क्षेत्र में नियम पूर्वक कार्य करते हैं। नैतिक नियमों के अंतर्गत व्यक्तियों के परस्पर संबंधों का निर्वाह होता है और कर्मकांडीय व्यवस्था में सभी धार्मिक क्रियाएं आती हैं। दो, दक्ष प्रजापति की पुत्री के गर्भ से उत्पन्न धर्म का एक पुत्र। तीन, भूत और भविष्य के छह मनुओं में से एक मनु का नाम। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार।